तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू से बनने वाली झटपट और आसान नाश्ते की रेसिपी। ये खाने में बहुत ही मज़ेदार होती है। इस नाश्ते में आपको पिज़्ज़ा बर्गर दोनों का टेस्ट मिलेगा। इस नाश्ते को घर पर इजी अवेलेबल सामानों से बनाकर तैयार करेंगे हम। इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान है, तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी बनाना हम शुरू करते हैं। नाश्ता बनाने के लिए यहाँ पे हमने आलूओं को पहले से उबाल कर रख लिया है। यहाँ पे हमने 4 से 5 आलू लिए हैं मीडियम साइज़ के। इसे हमने उबाल कर ठंडा कर लिया है। यहाँ पे हमने एक बड़े साइज़ का बर्तन लिया है। सबसे पहले हम आलूओं को कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे हमने ये बारीक वाला ग्रेटर लिया है, इसे हम कद्दूकस करेंगे। आप चाहे तो इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं। कभी भी फ्रेंड्स आलू को उबाल के कोई भी नाश्ता बनाना हो तो सबसे पहले आलूओं को उबाल के 1 से 2 घंटे के लिए पहले से ही रख दें, ताकि आलू अच्छे से ठंडे हो जाए। तब हमारे नाश्ते बहुत ही अच्छी तरह से बनते हैं। यहाँ पे हमने सभी आलूओं को कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हम कुछ सब्जियों को ऐड करेंगे। यहाँ पे हमने लाल शिमला मिर्च ली हुई है, हरी शिमला मिर्च, टमाटर, इसके बीज हमने निकाल लिए हैं, हरा धनिया, कद्दूकस किया हुआ गाजर, इन सभी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। इनके अलावा अपने मनपसंद सब्जियों को भी ऐड कर सकते हैं फ्रेंड, जैसे कि स्वीट कॉर्न हो, पनीर हो, वो सब भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया हुआ है मीडियम साइज का, इसे भी इसमें डाल देते हैं। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1/2 छोटा चम्मच यहाँ पे हमने काली मिर्च पाउडर लिया है, ब्लैक पेपर पाउडर। हमारे नाश्ते में पिज्ज़ा का टेस्ट देने के लिए यहाँ पे हम 1 चम्मच यहाँ पे मिक्सअप्स डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा, एकदम पिज्ज़ा वाला। अब इसमें हम नमक को ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। 1 चम्मच पिज्ज़ा सॉस डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा और टेस्टी नाश्ता बनेगा हमारा। यहाँ पे हमने 2 क्यूब यहाँ पे हमने चीज़ लिया है, इसे भी हम ग्रेट करके डालेंगे। बच्चों को चीज़ का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए इसमें हम चीज़ को ऐड करेंगे। आप चाहे तो इसके बगैर भी नाश्ता बना के तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे हमने चीज़ को ग्रेट करके डाल दिया है। अब इसमें यहाँ पे हमने 1/2 कप यहाँ पे मैदा लिया हुआ है, इसे थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसमें मिक्स करेंगे। इसकी जगह आप चाहे तो बेसन, चावल का आटा या फिर गेहूं का आटा भी डाल के बना सकते हैं नाश्ते को। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके हमारे नाश्ते को मिक्स करेंगे। इसे हमें एक सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है। अभी इसमें हमारा डो एकदम इसमें कम्बाइंड नहीं हुआ है, इसलिए इसमें हम थोड़ा और मैदा ऐड करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक सॉफ्ट डो लगा लिया है। अगर आपका डो यहाँ पे ज़्यादा गीला हो तो इसमें आप थोड़ा सा मैदा और भी ऐड कर सकते हैं। इसे और सॉफ्ट करने के लिए ऊपर से हम 1 चम्मच तेल डालेंगे और इस तरह से इसे हम मिक्स कर लेंगे, ताकि हमारा डो सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पे हमने डो लगा के तैयार कर लिया है। यहाँ पे हम हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लेंगे, इसे हाथों पे ग्रीस कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेंगे और इसे इस तरह से गोल करके रखेंगे। आपको जिस भी साइज़ का नाश्ता बना के तैयार करना है, आप उस साइज़ का ये पोर्शन तोड़ के आप बना के तैयार कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हम गोला बना बना के इसे यहाँ पे प्लेट में हम रखते जाएंगे। इसी तरह से हम सभी पेड़ों को बना लेंगे। यहाँ पे हमने सभी बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे इस तरह से हमने बॉल बना के तैयार किया है। यहाँ से हम एक बॉल लेंगे और इसे इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे चपटा कर लेंगे और अपना मनचाहा एक शेप दे देंगे इसे। देखिए बिल्कुल इस तरह से। यहाँ पे हमने एक पैन लिया हुआ है, इसमें हम 2 से 3 चम्मच इसमें हम तेल डालेंगे और इसे इस तरह से हम फैला लेंगे चारों तरफ से। ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में भी बनके तैयार हो जाता है फ्रेंड्स। आप चाहे तो इसे तवे पे भी बना सकते हैं। तेल यहाँ पे हमारा गरम हो चुका है, गैस का फ्लेम हमने मीडियम कर दिया है। इसे हम इस तरह से रखेंगे। एक बार में पैन में जितना है उतना हम डाल देंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे, इसे पलटने की घाई हम नहीं करेंगे। जब ये एक तरफ से सिक जाए तब इसे हम पलटेंगे। ये एक तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है, हम इसे पलट देंगे। देखिए
आप इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन ये कम तेल में भी बहुत ही क्रिस्पी नाश्ता बनकर तैयार होता है। इस तरह से हम रटते पलटते इसे सेक लेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पे ही सेकेंगे ताकि हमारा नाश्ता अंदर तक काफ़ी अच्छे से पके। यहाँ पे नाश्ते को हमने अलट पलट के अच्छी तरह से सेक लिया है। हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। इसे एक एक करके हम निकाल लेंगे। आलू और चीज़ की वजह से इस पर बहुत ही अच्छा कलर आया है, आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हम बाकी नाश्ता भी बना के तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सभी नाश्ता हमने बना के तैयार कर लिया है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी हमारे आलू के नाश्ते बनकर तैयार है। बहुत ही न्यू रेसिपी है, आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स। ये बहुत ही फटाफट से बन जाती है। मैं आपको ये एक नाश्ता तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए अंदर से कितने सॉफ्ट हमारे नाश्ता बनकर तैयार है। ये अंदर से जितने सॉफ्ट होते हैं ऊपर से उतने ही ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं। घर में छोटी मोटी पार्टी हो तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। स्नैक्स के तौर में सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। सभी मेहमान पूछेंगे कि इसे कहाँ से ऑर्डर किया है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।